बता रहे हैं ये क्या चीज है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोमेटो, नीचे पोटैटो ऊपर टोमेटो, मतलब नीचे आलू ऊपर टमाटर। और बहुत अच्छा उत्पादन इसका होता है, 1.5 से 2 किलो आलू निकलता है एक पौधे। तो इसको हमने जब कलम बांधा ये, अब इसका कट लगा दिया ये, अब इसको जब जमीन पर लगा देंगे तो ये टमाटर पर स्टैकिंग करेंगे बढ़िया। वो वैसा टमाटर नहीं होगा ये, इसमें बकायदा तार लगा के इसको जितना बड़ा ले जाएंगे उतनी ज़्यादा खुराक ये पौधा पाएगा, इसकी सेवा करनी पड़ती है। तो अब ये नया क्रांतिकारी काम है, हम लोग पिछले साल इसको सीख के आए थे करनाल में इसको देख के आए थे, इसको लोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लोग कर रहे हैं। डबल फायदा है। हाँ, छोटी खेती वालों के लिए फायदा है, बड़ी खेती वालों के लिए जैसे 2-4 बीघा जमीन है तो कह रहे हैं जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, इनका हमने मॉडल अभी बनाया था, तो इनको 4 महीने में कितने रुपये की आमदनी हुई टोटल आमदनी, लाभ शुद्ध लाभ कितना हुआ टोटल शुद्ध लाभ 5,88,000 का हुआ। इनका मल्टी क्रॉपिंग का मैंने मॉडल बनाया है, सारे लोग जो है इनका देखने जाइए, यहाँ बौकाहा में बना हुआ है ये राम गांव के बगल, तो हम उसमें मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, मतलब एक सब्जी नहीं लगाएंगे, जैसे ये टमाटर हमने लगाया, टमाटर के बाद फिर गोभी लगाएंगे, गोभी के बाद फ्रेंच बीन लगा दिया, फिर दूसरी सब्जी लगा दी। तो ये होता है कि इसका कीड़ा ये आपस में जब मिक्स क्रॉप करते हैं इसमें बीमारियां नहीं लगती। हमारा अब पहले हम लोगों के यहाँ मिश्रित खेती इसीलिए होती थी, जैसे अरहर में ज्वार बोते थे, इसको आप क्या बोलते हैं ज्वार, मक्का ज्वार, बाजरा अलग होता है, ज्वार अलग होता, लाड़ा बोलते, वो ज्वार होती है, मक्का ज्वार बाजरा उसका नाम है ज्वार। अब आप लोग उसका लाड़ला कहना बंद करिए, कहिए ज्वार। ज्वार की खेती इसलिए करते थे क्योंकि जो जड़ों में जो रसायन उत्पन्न होता था, तो हमारी अरहर की खेती में बिल्टिंग नहीं होती थी, सूख जाती ना अरहर का पौधा, वो नहीं होता था। तो ये जैसे गेंदा आप लगा दीजिए, गेंदा तमाम बीमारियों को नहीं लगने देगा, धनिया नहीं लगने देगा, तो इस तरह से मिक्स क्रॉप करें तो ज़्यादा लाभ होगा। और इनका खेत देखने जरूर जाइए, सब जब समय मिले इनका फ़ोन नंबर लीजिए, इनको मैंने मॉडल बनाया और मॉडल हम लोग बना रहे हैं। चल बैठो।